मल्टी स्टार फिल्म कलंक का टीजर आउट हो चुका है। जी हाँ, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो टीजर आउट हो चुका है। कल से ही काम डाउन शुरू हो चुका था इस टीजर को लेकर। तो वहीं आप सभी को बता दें कि ये मल्टी स्टार फिल्म है जिसमें तो वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, वरुण धवन, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा जैसे मंझे हुए कलाकार आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे ही टीजर आउट हुआ, पब्लिक का रिएक्शन काफी धमाकेदार देखने को मिल रहा है। जी हाँ, फैंस जो हैं इस टीजर को देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो वहीं खबरों की माने तो करण जौहर का ये ड्रीम माना जाता है। जी हाँ, इस फिल्म को लेकर करण जौहर काफी समय से काम कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली इसका टीजर आउट हो चुका है। इस टीजर में आप सभी ने लास्ट में एक लाइन सुनी होगी जो है, कलंक नहीं इश्क काजल है। कहीं ना कहीं इसे साफ पता चलता है कि जो इश्क होता है वो कलंक नहीं होता है, क्योंकि काला जो रंग होता है उसे कहीं ना कहीं धब्बा माना जाता है, लेकिन काजल लगाने से ही आपका सौंदर्य यानी कि आपकी खूबसूरती बढ़ती भी है। तो कहीं ना कहीं इश्क जो है वो कलंक नहीं है, काजल है। तो जिससे साफ साफ लग रहा है कि कलंक जो मूवी जो टीज़र आउट हुआ है काफ़ी शानदार होने वाली है, और इतने दिग्गज इसमें कलाकार हैं और स्पेशली माधुरी दीक्षित और संजय दत्त काफ़ी समय बाद एक साथ नजर आने वाले हैं इस फिल्म में, और 17 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है फिल्म। पर फिलहाल तो टीज़र देखकर आपको कैसा लगा, कैसा रिएक्शन आपको मिला है कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट लाइव से हिमांशी की रिपोर्ट।